हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा स्वागत है मेरे चैनल कुक विद सिड पर। माय नेम इज मास्टर शेफ सिद्धार्थ तलवार फ्रॉम मास्टर शेफ इंडिया सीजन 5। दोस्तों याद होगा आज से एक साल पहले वी गॉट दिस ब्यूटीफुल पैकेट ऑफ हैमिल्टन बीच इंडिया, एक बढ़िया सा जूसर मिक्सर ग्राइंडर, एंड इसको मैंने आपके सामने अनबॉक्स किया था। इट्स बीन वन ईयर, एक साल से ऊपर हो चुका है, और ऑफकोर्स एक साल के अंदर मैंने इसको खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। And I have been really utilizing this mixer grinder absolutely to the core and to perfection. चलिए देखते हैं एक साल में मैंने इससे क्या पाया और इसमें क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर यूज किए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वी कॉल इट अ मिक्सी, इंग्लिश में भी वी कॉल इट अ मिक्सी। मैंने बहुत सारे यूज करे, एंड आफ्टर यूजिंग देम आई वाज काइंड ऑफ कंटेंट, बट इतना सेटिस्फाइड नहीं था जो मैं इसको यूज करने के बाद हूं, बिकॉज इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर को मेरे पास जब से ये आया है, इट्स बीन अ वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, एंड एज कंपेयर टू एनी अदर जूसर मिक्सर ग्राइंडर, आई थिंक दिस इज बाय फार द बेस्ट, अभी तक का सबसे अच्छा जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो मैंने यूज किया है वो है हैमिल्टन बीच इंडिया, स्पेशली इंजीनियर्ड, एब्सोल्युटली स्पेशल इंजीनियरिंग। इसमें जो हमारे पास तीन जार हैं, ये 0.5 लीटर है, वी गॉट अ 1 लीटर जार एंड वी गॉट अ 1.5 लीटर जार। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो ग्रूव्स बनाई हुई हैं एकदम स्मूथ मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग के लिए बनाई हुई हैं, एंड द इंजीनियरिंग इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, विच मेक्स इट द बेस्ट जूसर मिक्सर ग्राइंडर इन दिस कैटेगरी। यस, अगर आप ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर अब तक ले चुके हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने नहीं लिया है आई थिंक इट्स टाइम टू स्विच टू हैमिल्टन बीच इंडिया। वाकई इसने बहुत इजी कर दिया है। नॉर्मल मिक्सी के अंदर हमको हाथ दबा के उसको ऐसे ऑन करके फिर दबा के रखना पड़ता है, दैट यू नो द मटेरियल इनसाइड डज नॉट पॉप आउट, बट इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर में यू कैन जस्ट क्लोज द लिड, विच इज वेरी इजी। अगर आप देखें तो वी जस्ट हैव टू प्रेस द लिड राइट हियर एंड प्रेस टू बटन्स, द लिड इज टाइट। इसके बाद अब मिक्सी को आपके सामने जब यूज करेंगे वी आर हैंड्स फ्री, मेरे दोनों हाथ कुछ और करने को तैयार हैं, चाहे मैं चावल बनाऊं, चाहे रोटी बनाऊं, चाहे सब्जी बनाऊं, एंड दिस इज डूइंग इट्स जॉब। थोड़ी देर में आपको बताता हूं इसमें प्रीसेट मेन्यूज भी हैं विच आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो दिस मिक्सर ग्राइंडर हैज एक्चुअली मेड माई लाइफ एब्सोल्युटली ईजी एंड सिंपल। सो इस सेफ जूसर मिक्सर ग्राइंडर के साथ यू गेट अ ब्यूटिफुल रेसिपी बुक विच टेल्स यू कुक लाइक अ प्रो। इसके अंदर बहुत बेहतरीन बेहतरीन एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया रेसिपीज हैं, जिसको बनाने के बाद खाते वक्त आप एक्चुअली अपनी उंगलियां चाट जाएंगे। ओके, नाउ आई मस्ट टेल यू अबाउट दिस ब्यूटीफुल मिक्सर ग्राइंडर। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन है मैनुअल, दूसरा ऑप्शन है प्रीसेट। सो मैनुअल ऑप्शन में हमारे पास ये स्पीड रोटेटर है, जिसको हम चला के घुमा के इसकी जो मिक्सिंग ग्राइंडिंग कैपेसिटी है 3000 आरपीएम से 18000 आरपीएम के बीच में कर सकते हैं। इफ यू जस्ट सी वी गॉट स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन विद द मैनुअल, हम इसका दबाएंगे स्टार्ट एट द लोएस्ट एंड ये मिक्सी हमारी चल पड़ी, द मिक्सर ग्राइंडर इज स्टार्टेड फंक्शनिंग, एंड स्लोली इफ यू वॉन्ट वी कैन इंक्रीज द स्पीड एंड हैंड्स फ्री, बिल्कुल ऊपर हमने हाथ नहीं रखा है, यू सी द स्पीड इंक्रीजिंग एंड दैट्स एट फुल स्पीड, back to slow speed, and if you see we have a timer, this timer ke andar we are getting absolutely seconds, humko kitne waqt tak isko grind karna hai we absolutely know, and thereafter there's a stop button and we know that we have ground it for 33 seconds, so manual mode mein aap isko aaram se achhi tarah se time karke grind kar sakte hain. Uske alawa motor agar aapki bahut garam ho rahi ho to we have a motor temperature, if you feel that motor is getting very hot आप मिक्सर ग्राइंडर को कुछ समय का ब्रेक दे सकते हैं। सो दैट वॉज अ मैनुअल मोड, नाउ वी हैव द प्रीसेट मोड। इस प्रीसेट मोड को हम सिर्फ एक बार दबाएंगे और हमारे पास है कमाल की चीजें, भाई वाह, ड्राई ग्राइंडिंग, हार्ड ग्राइंडिंग, वेट सॉफ्ट ग्राइंडिंग, सूप तक बन सकते हैं, ब्लेंड हो सकता है, और इस ड्राई ग्राइंडिंग को हमने कोर्स करना है, मीडियम करना है या फाइन करना है, वो सारे ऑप्शन हमारे पास इन अप एंड डाउन बटन से मिल जाएंगे। कोर्स करना है तो यहाँ पे मीडियम एंड ऑफ कोर्स फाइन, एंड इन केस यू वांट टू गो टू वेट हार्ड ग्राइंडिंग, वेट सॉफ्ट ग्राइंडिंग, यू वांट टू मेक सूप्स, सूप पार्शियल या फुल, आपको इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, इसको एब्सोल्युटली आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, एंड उसके बाद आपका सूप पार्शली या फुली प्रिपेयर होकर डायरेक्टली इसमें से बाहर आता है, एंड ब्लेंडिंग के लिए यू हैव द ब्लेंड बटन। सो नाउ अगेन वील गो टू ड्राई ग्राइंडिंग एंड लेट्स सी, इसमें दुनिया के वन ऑफ द हार्डेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो होती है सूखी हल्दी, वी कैन ग्राइंड दैट आल्सो टू अ ब्यूटीफुल पाउडर, नारियल, प्याज, अदरक, लहसुन,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इडली, डोसा, बैटर, सब कुछ. एक्चुअली दिस इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल माय जूसर मिक्सर ग्राइंडर सॉल्यूशंस. एब्सोल्युटली अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट. सो हमारे पास एक दो इंग्रेडिएंट्स हैं, हम इसको अभी आपके सामने यूज करके देखते हैं. लेट्स एक्चुअली सी. आई हैव गॉट ड्राई कोकोनट यानी गोला. आई हैव गॉट सम बिग चंक्स, बड़े पीसेस हैं. इस 0.5 लीटर वाले में आई विल जस्ट पुट दिस चंक्स एब्सोल्युटली इनसाइड एंड फिक्सिंग द लिड. और इसका ढक्कन लगाना बहुत ही आसान है. जस्ट प्रेस इट, दैट्स इट, इजी. अब मुझे इसको दबाने की कोई जरूरत नहीं है. आई डोंट रियली हैव टू प्रेस इट. ऑल आई हैव टू डू इज आई एम ऑन मैनुअल मोड, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन एंड सबसे स्लो स्पीड पे दिस इज स्टार्टेड ग्राइंडिंग. ओके, सो हमारा नारियल एकदम पिस के तैयार है. ओपनिंग इज वेरी इजी. सिर्फ ये दो नॉब्स उठाइए और थंब से इसको हल्का सा ऊपर पुश करेंगे एंड दिस इज एब्सोल्युटली ओपन. ओपनिंग दिस मिक्सर ग्राइंडर ऑल्सो इज एब्सोल्युटली इजी. इसको लिया एंड ये देखिए हमारा फर्स्ट क्लास नारियल का बुरादा पिस के तैयार हो चुका है. दिस इज एब्सोल्युटली रेडी. ये है कमाल ब्यूटिफुल हैमिल्टन बीच जूसर मिक्सर ग्राइंडर का. सो अब नारियल के बाद मेरे पास एक बहुत ही हार्ड आइटम है जो है हल्दी. ये है साबुत हल्दी सूखी हुई जिसको पीसना बहुत ही मुश्किल काम होता है. एक नॉर्मल मिक्सी में ब्लेड टूट जाते हैं लेकिन ये नहीं पिसती. देखते हैं हैमिल्टन बीच इसका क्या कमाल करती है. सो ये गई मेरी हल्दी इस जार के अंदर बिल्कुल साबुत. आई डोंट हैव टू ब्रेक इट. आई जस्ट पुट दिस हल्दी इन द जार एंड उसके बाद आई विल जस्ट ग्राइंड दिस हल्दी टू एब्सोल्यूट परफेक्शन पाउडर. चलिए शुरू करते हैं अपना ग्राइंडिंग प्रोसेस. एंड हमारी सूखी साबुत हल्दी नाउ इज एब्सोल्युटली फाइन ग्राउंड टर्मरिक यानी एकदम बढ़िया से पिसी हुई हल्दी का पाउडर. ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी है एंड इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पे. ओ माय गॉड, लुक एट दिस. एक बहुत ही हार्ड बहुत ही सख्त इंग्रेडिएंट चंद ही मिनटों में पिस के एब्सोल्युटली ब्यूटिफुली रेडी. सो दोस्तों दिस वॉज हैमिल्टन बीच's परफॉर्मेंस विच आई डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू टुडे. मैंने आपको दिखाया किस तरह से एक सॉफ्ट प्रोडक्ट जो नारियल था और एक हार्ड प्रोडक्ट जो हल्दी थी मैंने आपको पीस के दिखाई. द प्रीसेट मेन्यूज, द मैनुअल मोड्स, द टाइमर एंड एब्सोल्युटली ब्यूटिफुली डिजाइंड एंड ब्यूटिफुली इंजीनियर्ड प्रिसिशन इन दिस मिक्सर जूसर मिक्सर ग्राइंडर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. सो जैसे मैं पहले कह चुका हूं अगर आप इसको ऑलरेडी ले चुके हैं इन दैट केस मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट द बेस्ट प्रोडक्ट इन द कैटेगरी और इन द इंडस्ट्री. बट अगर आपने अभी तक ये नहीं लिया है देन यू मस्ट 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 गो एंड गेट हैमिल्टन बीच इंडिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और इस चैनल को आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, कॉमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड देखते रहिए मेरा चैनल कुक विद सिड.